नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल सनी टेक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक नया स्मार्टफोन जिसकी हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, जो कि जियोनी कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसका मॉडल है F205 Pro। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फुल फीचर डिटेल, फुल अनबॉक्सिंग ऑफिशियल सनी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये है जियोनी का नया मॉडल F205 Pro, जिसकी करने जा रहे हैं हम फुल अनबॉक्सिंग। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, F205 Pro का बॉक्स आ गया है बिल्कुल सामने। जल्द से जल्द करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छे फीचर दिए गए हैं। जल्द से करते हैं इसको अलग, इसके ऊपर लगाया गया है एक फीचर डिटेल के लिए रैप वाले से करते हैं रिमूव और देखते हैं डिस्प्ले कौन सा है। तो दोस्तों, इसके अंदर दिया गया है फुल व्यू डिस्प्ले और फ्रंट पर दिया गया है फ्लैश। और देखते हैं कि पहले बॉक्स के अंदर क्या क्या एसेसरीज दी गई है। एक दिया गया है ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर, जो मोबाइल के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन पर के लिए है। और एक दिया गया है स्क्रीन गार्ड, जो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए है। और इसके अंदर दिया गया है अडेप्टर, जो कि 2 एम्पेयर का दिया गया है। बढ़िया अडेप्टर है ये भी। और इसका जो चार्जिंग का है वो दिया गया है माइक्रो USB दिया गया है स्लॉट, यानी कि सी टाइप का यूज नहीं किया गया है। इसके अंदर ईयरफोन भी दिए गए हैं दूसरी कंपनियों के मुकाबले। यह काफ़ी अच्छी एसेसरीज इसमें दी गई है। तो इसको करते हैं साइड में और देखते हैं कि मोबाइल चलने में कैसा है, इसके अंदर इंटरनली क्या क्या फीचर हमें दिए गए हैं। तो करते हैं ऑन। तो फ़ोन की लुक देखकर लग रहा है कि यह फ़ोन काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर है। उसका जो कलर है, 3 कलर में लॉन्च किया गया है, ब्लू, ब्लैक, गोल्ड कलर के अंदर। और तो दोस्तों, बैक साइड देखते हैं, यहाँ दिया गया फिंगरप्रिंट सेंसर और बैक में दिया गया एक कैमरा और साथ में दी गई LED फ्लैश। जो ये कैमरा है ये 13 मेगापिक्सल का दिया गया है और जो फ्रंट कैमरा है वो दिया गया है 5 मेगापिक्सल का विद सॉफ्ट फ्लैश के साथ, यानी कि फ्लैश का पिछले गया। जो डिस्प्ले है वो फुल व्यू डिस्प्ले है, यानी कि पूरा पूरा डिस्प्ले दिया गया है। इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो क्वाड कोर 1.5 GHz स्नैपड्रैगन का यूज किया गया है। और इसमें देखते हैं कि अंदर, इसके अंदर जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है क्या दिया गया है। पहले चलते हैं इसके अंदर मेमोरी में देखते हैं। यह 2 GB रैम के अंदर और 16 GB यानी कि 16 GB के अंदर इसे लॉन्च किया गया है। इसकी 3000 mAh बैटरी है, यानी कि 3000 mAh बैटरी, क्योंकि काफ़ी अच्छा। और इसका जो प्राइस रखा गया है 5999, यानी कि 5999 रखा गया है। MI K 6A मॉडल के जैसे इसको प्राइस में निकाला गया है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर फिंगरप्रिंट दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर जो ऑडियो जैक लगाया गया है, ऊपर लगाया गया है 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। इसके अंदर नीचे यहाँ माइक, नॉइज कैंसिलेशन माइक दिया गया है। ये चार्जिंग के लिए जैक लगाया गया है, चार्जिंग जैक दिया गया माइक्रो USB वाला। उसका जो रिंगर है वो नीचे दिया गया है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। यह डिज़ाइन यूनिबॉडी नहीं है, यह ओपन होता है बिल्कुल। इसको हम खोल के देख सकते हैं। इसकी बैटरी रिमूवेबल बैटरी है, नॉन रिमूवेबल बैटरी नहीं है। 2 SIM स्लॉट दिए गए हैं, जो नैनो सिम स्लॉट हैं, प्लस एक मेमोरी कार्ड, यानी कि डबल सिम प्लस मेमोरी कार्ड से बनाया गया है सेट। दिखने में सेट काफ़ी अच्छा है और बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, लाइफ काफ़ी अच्छी है बैटरी की। और अब देखते हैं कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या दिया गया है। इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो 8.1 यानी कि ओरियो दिया गया है। और यह सबसे बड़ी बात, 256 मेमोरी सपोर्ट करता है, यानी कि जो एक्सपेंडेबल कार्ड है वो 256 इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर असिस्टेंट लगाया गया है, इंटेलिजेंट असिस्टेंट लगाया गया है, जिसके अंदर हम कुछ भी बोलेंगे और ये हमारी स्क्रीन पर ऑन कर देगा। इसमें जो फुल फीचर डिटेल है वो हमने नेक्स्ट वीडियो में और दिखाएंगे, जैसे ये स्मार्ट वेकअप का है। और एक प्राइवेट स्पेस दिया गया है, वो भी अगले मॉडल में आपको दिखाएंगे। और जल्द से करते हैं इसका कैमरा चेक, इसका 30 MP कैमरा कैसा है। तो जल्द से जल्द हम देखते हैं ये कैमरे की पिक लेकर। ये हमने फोटो कैप्चर कर ली है, फोटो एकदम क्लियर है, इसके बिल्कुल पिक्सल नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि कैमरा बहुत अच्छा है। और अब लेते हैं सेल्फी, और सेल्फी के अंदर हम एज कैलकुलेटर भी दिया गया है। ये जो फोटो हम इसके अंदर लगाएंगे वो इसी मॉडल से ली हुई हैं। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है। और फ्रंट में फ्लैश दी गई है इतनी कम रेंज होने के बावजूद। AI ब्यूटी इसका जो फीचर है वो भी इसके अंदर डाला गया है, जिससे इसका कैमरे क्वालिटी काफ़ी अच्छी और बहुत बढ़िया हो गई है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन्होंने जो फंक्शन डाला है वो डाला है आपके कार्ड का, जिसकी डिटेल हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और इसमें दिया गया है वोके मोड, यानी कि ब्लर करने का सिस्टम, किसी फोटो के अंदर हम बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। इसके अंदर बढ़िया कैमरा, अच्छा कैमरे का यूज किया गया है दोस्तों। इसका जो डिस्प्ले है वो 5.45 इंच का लगाया गया है। HD IPS डिस्प्ले यूज किया गया है, जिसके ऊपर 2.5D ग्लास लगा हुआ है, जिसके कारण इसकी डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी शाइनिंग दिख रही है।
तो इसके अंदर ड्यूल सिम आपको बताइए नैनो वाला है। तो दोस्तों ये थी जियोनी कंपनी के स्मार्टफोन F205 की फुल फीचर फुल अनबॉक्सिंग। हमें आशा है कि ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, और अगर आपको यह लगी कि ये आपके लिए फायदेमंद है तो प्लीज शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।